Hello everyone, this is Manas. I welcome back to your favorite channel, Bio Gyan. थोड़े खुशी खबर होती है हमारे होती कहते हैं 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए चीं केमती कहीं कंप्लीट हो जाए ना तमान और ना सपोर्ट जो को तमान और शेयरिंग जो को उन्होंने ना हमारे होती 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए तो जल्दी भी हमें बहुत से ग्रो करी वो हमारे अभी तमो थर्ड सेमिस्टर सोलह पर होती फोर्थ सेमिस्टर जल्दी स्टार्ट हो ला से टेंशन है मैंने सेयार कर चलो जिते भी पिला बढ़ुंट तो से अनुसार आम आगू आगू पढ़ेबा आगू आगू भलसे ही मैंने होती भावुँ कि थर्ड फोर्थ सेमिस्टर किसी ही पढ़ा जाए किसी पढ़ा हाँ कितु बर्तमान जब भलसे ग्रह करें सब पढ़ेब आ भी आम भल भल पा पढ़ापी आस भल सार पढ़ापी आसवे है बर्तमान दुज सार राजी ना पढ़ापी जोटा कि जी अच्छा अलरेडी एम फिल कर सारी सी मैंने भल सब भल आज जो भी सार पढ़े जो किट यूनिभर्सीट कर दिज सार कंट्राक्टर बर्तमान रखीचु से पढ़े नेक्स्ट तुमको ठीक अच्छे तो जो मैंने भी लाइक सेयार सब्सक्राइब करन है लाइक सेयार सब्सक्राइब कर दिव 1000 कम्प्लीट हो गला जल्दी ट्राए कर कि 2000 हम सब्सक्राइब कम्प्लीट हो ठीक अच्छे एमती सपोर्ट करता है सपोर्ट करता कि बैज्ञान जमी मैंने ग्रो करो बैज्ञान ग्रो कला आम भाचु कि तुम कौन होना जमी आम सर्टकट गोटे बही बाहर करा बही गोटे पब्लीश कर सर्टकट बही पब्लीश तो करना गोटे मेटेरियाल बही गोटे बुक मेटेरियाल पब्लीश कर जो थी तुम हार्ड कॉपी पाई पार तो हार्ड कॉपी कौन ना तुम सर्टकट सब मिल जाए है जोटा कि आम स्लाइड दूचु सर्टकट स्लाइड सब दे नोट गुड़ा से तुम बही रे बुक आकार है ठीक अच्छे आम ट्राए कर लंच करूँ जदि भी आम पिला मैंने 1000 तो सब्सक्राइब होगा 4000 हजार जल्दी कम्प्लीट हवा उपर अच्छे तो से अनुसार आम बुकटा पब्लीश कर पारू जब 4000 कम्प्लीट हो बुक बही लिखा स्टार्ट करूँ तो किसी नहीं नेक्स्ट सेमिस्टर को फर्स्ट सेमिस्टर पर फिफ्थ सेमिस्टर पाखापी तुम बही गुड़ा पाइज है तुम्हें मैंने कहला फिफ्थ सेमिस्टर तुम बही गुड़ा पाई थी है फिफ्थ सेमिस्टर बुक गुड़ा पाई थी फिफ्थ सेमिस्टर किसी टेंशन हो जहाँ प्रोब्लम अच्छे फोर्थ सेमिस्टर हो पाए है तो आम ट्राए कर पढ़ाई सब पढ़े है फिफ्थ सेमिस्टर टी प्रोब्लम फिफ्थ सेमिस्टर को आम बुक पब्लीश करदेव जोटा कि बुक हिं सब पाइपर जहाँ भी आम क्लास अच्छे बुक रही तुम पाइपर ठीक अच्छे बहुत गुड़ा आज हूँ गोटे मोस्ट इंपोर्टां टपिक अच्छे तो स्टार्ट करें तक टॉपिक ना है हूँ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो चलो स्टार्ट करवा कौन स्टार्ट कर आज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन अच्छे क्रोमोसोम बेसिस रे केमिति इनहेरिटेंस होता है क्रोमोसोम बेसिस रे केमिति पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होता है कौन होता है ना जीन ट्रांसमिट होता है कौन होता है ना जीन ट्रांसमिट होता है कौटू ना पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग माने बापा कौटे ना पिला पाखक ठीक अच्छे केमी ट्रांसमिट होता है तो बेसीस कौन कौ प्रोसेस रे कौ प्रक्रिया कौ रूल से फॉलो करे है ठीक अच्छे पढ़वा तो से जो थियोरी थी से थियोरीटा ना देख तो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ हेरिडिटी कौन से थियोरी ना कौन क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ हेरिडिटी है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ हेरिडिटी किए देते ना 1902 किए वाल्टर एस सटन डी ओवरी किए वाल्टर टी एस सटन एंड टी ओवरी ये दिजन साइंटिस्ट देते कौन ना क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ हेरिडिटी माने क्रोमोसोम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोम को बेसिस से इनहेरिटेंस होती माने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तुम जान थो तो क्रोमोसोम ना केमिति पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होती है केमिति पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होती पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग केमिति ट्रांसमिट होती तो सेटा बेसिस कौन से क्या फॉलो करुच कि एमती ही ट्रांसमिट होता है ना जदि पेरेंट पाखे एमती अच्छी तो पिला एमती रहा तो सहीटा हूँ कौन बस मेन जिनसा कौन बुझ है क्रोमोसोम केमी इनहेरिटेंस होता है आम बुझे बर्तमान जी पढ़े लज तीन टा ल पढ़ले कौन ल ऑफ डोमिनेंस है जोटा कि डोमिनेंट कर दीटा पेयर भितर गोटे हूँ डोमिनेंट कला है गोटे हूँ गोटे क्यारेक्टर कौन दीटा जीन रहा है तो दीटा लोक दीटा जीन रहा तो गोटे हूँ कौन डोमिनेंट कर गोटे हूँ रिसेसिव हम जदि डिसिमिलर पेयर थाए है सेमती बुझे बर्तमान आम सेमती क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस केमी थे केमी क्रोमोसोम बुझे बर्तमान भलसे बुझे आराम से हाँ देख कौन सब कौन अच्छे The theory provides, a way to explain how the cellular transmission or chromosome passes genetic determinant. कहला क्रोमोसोम केमिति जेनेटिक डिटर्मिनाट जेनेटिक डिटर्मिनाट माने जीन्स है कौन कहला क्रोमोसोम केमिति जीन को ट्रांसमिट करे
केमिति कोन कोन पासेस करे कोड पासेस करबो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग केमिति पास करबो हैला केमिति पास करबो से लॉटा कहला कोन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी तो देखो लॉ रो हमर ऑलरेडी कोन देखले पांचटा पॉइंट अछि आराम से पांचटा पॉइंट बुझि भई हमर इजी हि जो बुझियबो किछि कष्ट नै बहुत इजी अछि पांचटा पॉइंट देखो तो एक नंबर पॉइंट कोन कहला ना के कहले वाल्टर एस हटन डी बवरी जेते से प्रपोज करथले से कहले कोन कहले ना क्रोमोसोम्स कंटेंट कोन कहले ना क्रोमोसोम कंटेंट्स द जेनेटिक मटेरियल माने जीन्स तो कहला क्रोमोसोम कंटेंट्स द जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कहला जोटा कि क्रोमोसोम टा कंटेंट करछि क्रोमोसोम हम जानि छथि क्रोमोसोम भितरे कोन अछि क्रोमोसोम कंटेंट्स डीएनए ए सिंगल डीएनए देखो गोटे क्वेश्चन देखो ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी तुम पचार हेतला तो देखो टोटल ह्यूमन सेल गोटे ह्यूमन सेल रे केतुटा क्रोम अछि हमरो केतुटा डीएनए अछि केतुटा डीएनए अछि गोटे ह्यूमन सेल रे हला केतुटा डीएनए अछि हमें जान छथि कोन क्रोमोसोम अछि केतुटा ना अछि 23 पेयर रो क्रोमोसोम अछि किंतु केतरा डीएनए अछि एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी न परे किंतु होछ एटा तमे बेसिक तमे फंडामेंटल क्लियर करिया पय एंटा कमेंट रे लिखि देबो कि जदि हम क्रोमोसोम 23 पेयर हला तो हमर डीएनए केते अछि देखो डीएनए केते अछि ट्राई कर लिखिया पय तो देखो तो कोन कहला ना देखो क्रोमो बुझेला तो कहला क्रोमोसोम्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल कहला क्रोमोसोम कोन कोन जेनेटिक मटेरियल कंटेन करथे जेनेटिक मटेरियल कहला डीएनए हला तो कहला क्रोमोसोम डीएनए रे कंटेन करथे कोन थाए ना डीएनए भितरे क्रोमोसोम भितरे हमर डीएनए रहला हला तो के डीएनए कंटेन करथे ना क्रोमोसोम तो डीएनए टी कोन हला ना जेनेटिक मटेरियल तो जेने डीएनए और जीन से फरक कोन डीएनए और जीन से फरक कोन तो डीएनए जीन्स भीतर फरक कौन तो हमें डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ी चंदी डीएनए स्ट्रक्चर हमें पढ़ी चंदी तो डीएनए कौन है ना तो हमारे क्रोमोसोम भीतर डीएनए अछि तो इटा डीएनए है तो कोइला किछि डीएनए सेगमेंट उनी उठे जीन दियारी है ना डीएनए बेस पेयर अछि एटीसीजी बेस पेयर अछि कौन अछि एटीसीजी बेस पेयर अछि तो से गला किछि डीएनए बेस पेयर को माने किछि डीएनए खंड को ने गुटे जीन तैयारी को गला किछि डीएनए किछि खंड को सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन हला जोटा के फंक्शनल डीएनए हेतिबो हला नॉन फंक्शनल हेतिबो हला जोटा फंक्शनल डीएनए थिबो सेटा गले गुटे जीन थिबो मनर आई कलर तो आई कलर में एउटे ती डीएनए डा हो जे हमर तार होसी ता पई हो जे ता पई एटा होची इफेक्टिव होला एटा ही ता पई दाई ए जदि हमर आई कलर होची ब्राउन होची कि व्हाइट बा होची हमर होची डार्क कलर होची बा ब्लैक कलर होची ता पई कोन होला ना ए डीएनए टा दाई माने ए जीन टा ता पई होची से डीएनए टा होची कोन होला ना ता पई दाई माने ए कलर पई एटा होला दाई तो जीन कोन होला ना गोटे सेगमेंट डीएनए गोटे सेगमेंट जोटा कि फंक्शनल होइते बुझेला डीएनए आ होची जीन भीतर फरक कोन गला ना से देखो ता माने गोटे क्रोमोसोम रे कोन अछि डीएनए अछि गोटे क्रोमोसोम रे डीएनए अछि तो किछि डीएनए को नै कि हला डीएनए किछि सेगमेंट नै गोटे जीन तयार हेते हला तो एटा बुझेला त से कहला क्रोमोसोम टा कोन कंटेन करथे ना जेनेटिक मटेरियल कंटेन करथे क्रोमोसोम टा बुझेला तो जेनेटिक मटेरियल के कंटेन करथे क्रोमोसोम बुझेला फर्स्ट पॉइंट बुझेला जोटा कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट हेते बुझेला क्रोमोसोम सार रेप्लिकेटेड कोला क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड हुए गोटे क्रोमोसोम दुटा क्रोमोसोम हबो रेप्लिकेट हबो एंड पासेस अलोंग द जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कोला जो क्रोमोसोम टा अछि तो से कोन करो ना होची रेप्लिकेट हबो तो रेप्लिकेट हबो हैला गोटे क्रोमोसोम रो रेप्लिकेट हैला तो सी कौन इटा हूँ कौन पासेस करियो कौन पासेस करियो ना जेनेरेशन टू जेनेरेशन पासेस करियो माने पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पासेस करियो बुझेला सेकंड पॉइंट बहुत इजी अछि माने क्रोमोसोम टा रेप्लिकेट हबो आ जेनेरेशन टू जेनेरेशन पास करियो हैला वर्तमान म जति वर्तमान होचे गुटे पेरेंट पाखर एटा क्रोमोसोम अछि सी तार जेतेला तार रहउछि कोन हो ना ता ऑफस्प्रिंग जेता हबो
सी कौन करना यहाँ डुप्लिकेट हो रेप्लिकेट होगा रेप्लिकेट होगा गोटे रहा आ गए अफस्ट्रीम पलैला यहाँ है कौन क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड हे आउ ट्रांसमिट हे कौटे ना और मन हो पेरेन्ट टू अफस्ट्रीम ट्रांसमिट हे बुझेगापर नेक्स्ट देख थर्ड पॉइंट देख तो थर्ड पॉइंट कहला द न्यूक्लियो ऑफ मोस्ट इक्वाटी सेल आम जानते इक्वाटी सेल है जानते तो कंटेन्स क्रोमोसोम दैट आर फाउंड इन होमोलोगस पेयर तो होमोलोगस पेयर कौन देख होमोलोगस पेयर कौन देख बर्तमान मुझे चित्र कर देख यहाँ है गोटे क्रोमोसोम यहाँ गोटे क्रोमोसोम है यहाँ गोटे क्रोमोसोम है तो यहाँ गोटे क्रोमोसोम है तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन ये दुटा क्रोमोसोम मैंने सिमिलर देखा थी मानने तार हूँ तार हूँ सेंट्रोमियर पोजिशन सेम थी तार हूँ पी आर्म क्यू आर्म दुटा सामान थी यार जी से थी तो सेम टाइप दुटा को हूँ कहे होमोलोगस कहली ताको टू एन भी कहते होमोलोगस डाइप्लोइड डाइप्लोइड होमोलोगस सेम नुह कितना होमोलोगस कौन है ना सेम थी वन टाइप ऑफ सेम थी दुटा हूँ सेम थी यार हूँ जी थी सेंट्रोमियर जो थी सेंट्रोमियर से यार जी पी आर्म जी थी क्यू आर्म सेम सेम थी से कह होमोलोगस कहे कौन कहे मेनली कौन होमोलोगस आकार देखा जाए कहे न्यूक्लियो मोस्ट इक्वाटिक मैंने युक्टिक सेल रे जो न्यूक्लियस थाए ता भितर कौन होता है ना जो क्रोमोसोम थाए सी हूँ होमोलोगस पेयर था देखे होमोलोगस पेयर बुझेगा दुटा चित्र करता है होमोलोगस पेयर मैंने आइडेंटिकल था दे आर डाइप्लोइड से कौन टू एन डाइप्लोइड तो डाइप्लोइड कौन हाप्लोइड कौन देख बर्तमान आम पाखे डाइप्लोइड अच्छी मानने टू एन अच्छी दुटा एन अच्छे तो आम ये हूँ कौन हम ना आम तो रिप्रोडक्शन हम मानने जो गेमेटा हूँ पास कर तो गेमेट जो आम प्रड्यूस कराया मेल हो फिमेल हो जब मेल गोटे गेमेट प्रड्यूस कर सी कौन करना हाप्लोइड प्रड्यूस कर आमती फिमेल प्रड्यूस कर हाप्लोइड प्रड्यूस कर तो मेओसीस हाप्लोइड होता है तो सेक्सुआल रिप्रोडक्शन मेनली मेओसीस ही था तो बुझेगा तो यहाँ कौन है ना जो टू एन डाइप्लोइड अच्छे सी कौन हाप्लोइड करदे मानने एन कर तो एनटा जो है कौन आम जानते पेरेन्ट जो फादर पाखर गोटे आस गेमेट आ मेल गेमेट आस मदर पाखर आसे फीमेल गेमेट माने आमर हूँ ह्यूमन क्षेत्र में हूँ स्पर्म आसला कौटू ना हूँ आमर फादर पाखर ओवरी आसला ओव्यूम आसला कहे फीमेल पाखर तो ये जो स्पर्मटा हूँ कौन एन थी मानने हाप्लोइड थी हाप्लोइड गेमेट सेमती ओवरटा हूँ कौन हाप्लोइड गेमेट जो हाप्लोइड हाप्लोइड मिसी जाए मैंने एन आते एन मिसी जाए मैंने स्पर्म जो अभ्यू मिस कौन टू एन हो तो फर्टिलइेसन टू एन हो तो बर्तमान हूँ गोटे जो नेक्स्ट तार डॉटर हे कि सन हम नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग हे सी कौन टू एन होगा तो टू एन होगा सी पुणी ये रिप्रोडक्शन कर सी पुणी दुटा प्रड्यूस कर एन प्रड्यूस कर पुणी एन प्रड्यूस कर पुणी फिमेल पाखर कौन आस भी एन आसी एन आसो एन आटान एटा एन मिसी कौन टू एन हो पुणी सेमती ट्रांसमिट हे तो यहाँ कहला डाइप्लोइड था बुझेगा डाइप्लोइड कौन बुझेगा बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत इज अच्छे आठ किसी ना क्रोमोसोम थ्योरी पाँचटा थ्योरी अच्छे पढ़ो आराम से इजी जो मैंने भी लंग क्वेश्चन पढ़वार चान्स नहीं जो मैंने कि दी मार्क अच्छे दी मार्क भी पढ़ी पारे जो मैंने पांच मार्क भी अच्छी किसी यूनिवर्सिटी पांच मार्क चार मार्क अच्छे से पढ़ी पारे कि पढ़वार चान्स अच्छे बहुत कहला होमोलोगस पेयर था दे आर डाइप्लोइड बुझे डाइप्लोइड वन मेम्बर ऑफ इच पेयर कहला वन मुझे जोड़ा बुझे से कहे कहला वन मेम्बर ऑफ इच पेयर इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर द अदर फ्रॉम द फादर से कहला जो दुटा पेयर रहा जो दुटा पेयर रहा बर्तमान आम पाखे ये दुटा ही अच्छे ये दुटा क्रोमोसोम अच्छे ये पेयर था सब क्रोमोसोम पेयर था आम सब कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहीं सब क्रोमोसोमटा पेयर था होमोलोगस आकार तो जो कहे पेयरटा है ये पेयर भितर आम गोटे हो फादर गोटे हो मदर है गोटे हो फादर पाखर गोटे आस मदर पाखर आस बुझेगा तो जो पेयर था गोटे आसला फादर पाखर आस गए आसला मदर पाखर आसला बुझेगा वेरी गुड नेक्स्ट देख तापर कह देख इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर एट द मेओसिस जोटा ही कहे से बेस किसी कहनी एट द मेओसिस वन ऑफ द टू मेंबर कहला वन ऑफ द टू मेंबर ऑफ इच पेयर सेग्रीगेट इनटू टू डॉटर न्यूक्ली कहला जो टू एन थिला
यार टू एन यार टू एन ये कला सेग्रीगेट कला सेग्रीगेट करके टू डॉटर करदेला है दुटा हूँ तार डॉटर निकलाई करदेला यहाँ टू एन था ये गोटे एन आईला ये गोटे एन आईला ये भी एमती है ये एन आईला तो तापर तार हूँ फर्टिलाइजेसन हम फर्टिलाइजेसन हम तो सी कौन हम ना ना ये एन ये एन जो मिसीज फ्यूज हम सी हूँ टू एन तैयारी कर सहीटा ही कहे बेस किसी कही ना देख सेग्रीगेट इंटू टू डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियस जो सेग्रीगेट कला टू एन टा सेग्रीगेट कला एन एन सेग्रीगेट है लव सेग्रीगेशन पढ़ी देयरफॉर गैमेट्स कंटेन ए सेट ऑफ क्रोमोसोम से कहला गोटे गैमेट कौन डाइप्लोइड थाए तो डाइप्लोइड मान गोटे सेट ऑफ क्रोमोसोम मान टू एन थाए तो जदि फादर पाखर एन आसला मदर पाखर एन आसला सी गोटे अलरेडी टू एन होगा से गोटे कहला वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बुझेगा दैट इज देयर हैप्लोइड इज शोन इन द फिगर 1.6 तो नेक्स्ट द फिगर हमें नेक्स्ट पेज देखा तो देखीद बुझेगा हैप्लोइड ये हैप्लोइड सी हैप्लोइड मिसिक डाइप्लोइड है जोटा कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है बुझेगा नेक्स्ट फोर चार नंबर पॉइंट देख ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर इंडिपेंडेंट ऑफ असाइनमेंट कौन कहते हैं पढ़ते मेंडल लॉ रे कौन इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कौन मैंने प्रत्येक हूँ क्रोमोसोम तार हूँ प्रत्येक जीन कौन इंडिपेंडेंटली शो करेंगे है कार गोटे कैरेक्टर सहित आ गोटे कैरेक्टर किसी लिंक रही बुझेगा इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट करेंगे बुझेगा ड्यूरींग द गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर जोटा कहला इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कहले किसी गोटे सहित गोटे क्यारेक्टर सहित आउ गोटे क्यारेक्टर किसी डिपेंडेंस रही कि यही क्यारेक्टर एमती है कि एमती होती सेम अच्छे जदि जनकर हेयर कलर अच्छी ब्लाक अच्छे तो आखि ही ब्लाक हम कि तार आखि ब्लाक अच्छी मानने तार हूँ ता बॉडी ही ब्लाक कलर हम सेम अच्छे सेमती किसी ना तो इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट कर जदि गोटे पिलाटे भल पिला भल पिला हेयर हूँ ब्लाक खराब पिला हेयर हूँ ब्राउन कलर सेमती किसी अच्छे से कहला इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट कर सी ब्लाक हेयर हो कि तार हूँ ब्राउन हेयर हो पिला हूँ भल हो पारे भी खराब हो पारे सी इंडिपे प्रत्येक क्यारेक्टर कौन कला इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट कले बुझेगा तार ना लास्ट पॉइंट देख इच पेरेन्ट कंट्रीब्यूट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम टू इट्स ऑफस्प्रिंग कला कला गोटे इच पेरेन्ट कला इच पेरेन्ट मान मेल एंड फिमेल कहे वन आसला मेल पाखर वन आसला फिमेल पाखर एन आउ एन हूँ गोटे मिसी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम करेंगे सी से कथा ही कहला इच पेरेन्ट कंट्रीब्यूट्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इट्स ऑफस्प्रिंग देन फादर पाखर एन आसला मदर पाखर एन आसला मिसिकी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम करेंगे जोटा कि हूँ ऑफस्प्रिंग पाखु इनहेरिट होगा ऑफस्प्रिंग पाखु ट्रांसमिट होगा बुझेगा कमी क्रोमोसोमटा ट्रांसमिट होगा पाँचटा थियोरी अनुसार बुझेगा आउ थोड़े देखिए कौन कौन कहला ये पाँचटा कौन कौन कहला कहला जो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कौन अच्छी ना जोटा अच्छी जोटा कौन कर जीन अच्छी जो सीटा ट्रांसमिट हो कौटी ना पेरेन्ट ऑफस्प्रिंग फास्ट पॉइंट गला सेकेंड पॉइंट कौन कहला ना रेप्लिकेट हे मैंने डबल हम गोटे क्रोमोसोम डबल हम तापर कौन जेनेशन टू जेनेशन ट्रांसमिट हम बुझेगा थर्ड कहला कौन ना जदि यहाँ हूँ कौन होमोलोगस थाए होमोलोगस कौन ना सेम थी तार हूँ सेम टाइप थी होमोलोगस था कहला फादर पाखर जदि आसो फादर पाखे डायप्लोइड अच्छे टू एन अच्छे मदर पाखे टू एन अच्छी तो या पाखर एन आसला या पाखर एन आसला तो फर्टिलाइजेशन हम तो जो फादर मदर दुटा हूँ आस फर्टिलाइजेशन हम से कौन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम तैयारी कर बुझेगा सीटा थर्ड पॉइंट है आगे किसी कहनी तार फोर्थ पॉइंट देख ड्यूरिंग द फॉर गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इच अदर कहला गोटे क्रोमोसोम आ गोटे किसी क्रोमोसोम किसी 23 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहा है किसी क्या इंडिपेंडेंट रहापर कि ये क्रोमोसोमटा एमती है एमती कलर हम सेमती किसी डिपेंडेंस रही ना इंडिपेंडेंटली इच अदर रही है गोटे क्यारेक्टर आ गोटे क्यारेक्टर पर इंडिपेंडेंट रो कि क्यारेक्टर एमती है एमती पिलाटा हम सेमती किसी ना तो देख लास्ट पॉइंट देख इच पेरेन्ट कंट्रीब्यूट्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम टू इट्स ऑफस्प्रिंग मैंने फादर पाखर एन आसला मदर पाखर एन आसला वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को ट्रांसमिट कले ना ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट कले बुझेगा देख कहला हेन्स द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मेंडेल्स लॉ एंड क्रोमोसोमल ट्रांसमिशन कहला क्रोमोसोमल ट्रांसमिशन और मेंडेल्स लॉ भितर कौन है ना तब गोटे रिलेशन आसी से कौन रिलेशनशिप आसे आम नेक्स्ट देखा यहाँ बुझेगा तो मैं क्रोमोसोम इनहेरिट बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बुझेगा कमी रिलेशनशिप आसूस देख आम देख आमर बर्तमान देख फिगर देख बहुत इजी अच्छे तो यहाँ देख कौन कहला
ना वाई वाई हैला तो सी हेते बेले कोन हैला ना वाई वाई हैला कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाली से कोन कला ना डाइप्लोइड हैला तो सी कोन कला ना जेतरा मेयोसिस वन ले कोन हबो सेपरेट हबो सेग्रीगेट हबो एटा सेग्रीगेशन पडछन सेग्रीगेशन माने वाईटा अलग हबो ये वाईटा अलग हबो सेग्रीगेट हैला परे कोन ये वाई अलग हैला ये वाई अलग हैला सेग्रीगेट हैला तो सेग्रीगेट हिसला पर देखो कोन करबो ना से होची एटा बर्तन कोन सेग्रीगेट हैला एटा वाई वे हैला एटा वाई वे हैला तो जत्ते बेले कैपिटल होला ना स्मॉल होला से तरह कोन करू ना हम हैप्लोइड तैयार करू बर्तन डाइप्लोइड होचे 2n होचे एटा हैप्लोइड तैयार करियो बिना हैप्लोइड नाम कोन ना फादर टू ऑफस्प्रिंग जाई परिबो ने कारण मदर पाखरो हाफ आसियो फादर पाखरो हाफ जीवो तापर 1 होबो ना कि फादर पाखरो 2 आसियो सेटा होचे आमे पढिबा तरह ट्रांसजेंडर कथा पढिबा कि ट्रांसजेंडर क्षेत्र कोन हिते सेटा ही इटुटे अन देखाई थके फादर पाखरो जदी एक्स वाई डबल कोला आसला सेटा होचे कोन हो सेटा हम डिटेल्स रे पढिबा तले जे पढिबा त पढिबा तो सेमती एटा सेग्रीगेट हेला जो 2n अछि कैपिटल होय स्मॉल होय तो सेग्रीगेट हे जे माने सेपरेट हेला एटा वाई हेला सेग्रीगेट हेला माने चारटा गैमेट हेला तो एटा हला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन माने कला पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट हेला किंतु लॉ ऑफ सेग्रीगेट कोला माने सेग्रीगोटे सेग्रीगेशन हेला सेपरेट हे के ट्रांसमिट कोला त माने ओई मदर पाखर जें एटा फादर लेट एटा फीमेल मेल हेला तो हमर होचे फीमेल देखो जदि फीमेल पाखर हम सेमिति वाई एटा वाई एटा वाई वाई थिवो तो ए वाई आवेश त मिसी कोन कला ना कैपिटल ए वाई यूएस त मिसी कोन कला ना कैपिटल होय तो ए वाई यूएस मिसी कोन कैपिटल होय स्मॉल होय तो एटा कोन एमति ही सेमिति प्रोड्यूस करि चलिबो एटा हला कोन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ होज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस त फरक कोन हला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट सेपरेट हबो तापर ट्रांसमिट हबो सेपरेट हबाटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ट्रांसमिट हबाटा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेटा ही कोला किछ नै बुझैला तापर देखो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट माने इंडिपेंडेंटली गोटे कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली केमिति हमरो बिहेव करिवो हम पढिथले देखो वाई देखो वाई सॉरी वाई वाई आर आर कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एटा हला तापर देखो कोन हला ना ई जो प्रत्येक रोइला प्रत्येक हमर कोन कला ना देखो से जे हमर होची क्रॉस हला तो क्रॉस हला पर कोन हला ना देखो फर्स्ट होची इंडिपेंडेंट केमते एक्सेप्ट करिवो माने जो वाई वाई सहित बर्तन केतरा अदर गैमेट प्रोड्यूस होबा हम कहितला माने 2 टू द पावर एन होची गैमेट प्रोड्यूस होबो एटा होची केतरा डिसिमिलर होची पेयर होची दीरा डिसिमिलर बसि माने 2 टू द पावर 2 होबो 2 टू द 2 माने एटा होची चारटा गैमेट प्रोड्यूस होबो तो चारटा गैमेट प्रोड्यूस कोन कोन हो देखो कोई चारटा गैमेट कोन कोन प्रोड्यूस होबो आमे ते जानि पेले चारटा गैमेट प्रोड्यूस होबो तो चारटा गैमेट कोन कोन प्रोड्यूस होबो देखो कैपिटल वाई स्मॉलर कैपिटल वाई कैपिटल आर हला आउटे कोन हला ना देखो आउटे देखु जों वाई वाई आर आर हला चट्टा गेम हला तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हला तो कैपिटल वाई स्मॉल आर हला इट हला तो स्मॉल वाई कैपिटल आर हला स्मॉल वाई स्मॉल आर हला चट्टा गेमट हला बुझल चट्टा गेमट केमत प्रोड्यूस हला चट्टा गेमट बुझला भलसे देख दे चट्टा गेमट हला तो चट्टा गेमट हला जो चट्टा गेमट हला एटा होची कोन कलर ना हमर होची दीटा जक होची देखो एटा इंडिपेंडेंटली केमते एसर्ट करियो देखो इंडिपेंडेंटली एसर्ट माने गोटे कैरेक्टर आ गोटे कैरेक्टर पर डिपेंडेंस रहिबने तो देखो एटा होजी कोन हला ना मेयोसिस 1 वाला तो मेयोसिस 2 और कोन एटा हैप्लोइड हबो तो हैप्लोइड हबो हैप्लोइड हला ए सब हैप्लोइड हे छि तो होज ए जे चारटा हो गोटे रो हमर कोन हला ना चारटा चारटा गैमेट हला 2n n n n चारटा हला देखो ए देखो कोन कला ना वाई कैपिटल वाई सॉरी एटा होची स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर हला गोटे आउट होची स्मॉल आर हला एटा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर प्लस कैपिटल वाई कैपिटल आर तो देखो ए एटा होची कोन हला ना देखो
ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসেপ্ট কলা যে এসব লা বিভিন্ন ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট লা তো না যারা সেগ্রিগেট হল সে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসেপ্ট কলা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ক্যারেক্টর শো কলা কি এ ক্যারেক্টর সত্যি এটা হচ্ছে মিশিলা না তা ইয়া সত্যি এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে কি এটা যদি সেম রহব এটা হচ্ছে কি সেমতি পর্টিকুলার না এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসেপ্ট কলা এটা বি সেমতি হচ্ছে দেখো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসেপ্ট করবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসেপ্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি শো করাইবে অলরেডি মু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসেপ্ট মানে বুঝাই দিয়েছি তার মানে দেখ যদি বি হেয়ার কলর জনকর ব্ল্যাক রয়েছে তার মানে হেয়ার কলর ব্ল্যাক সে পিলাটা খারাপ কি ভালো আমি কইপারিবানি সেটা হল দেখ ক্যারেক্টরটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাহ সহ হল না হেয়ার কলর সহ হল এটা হল ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসেপ্টমেন্ট বুঝিল এটা বি যদি খালি দুই মার্কে পড়ুছে সে পাঁচটা পয়েন্ট লিখব যদি বি ল অফ সেগ্রিগেশন গোটে লিখি দেব কিছু প্রবলেম নাই যদি সে কইথিব কি ক্রোমোজোম বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স লেখ প্লস সে কেমিতি মেন্ডেলস ল সহ কেমিতি রিলেশনশিপ রাখুছি তো সেটা লেখ তার মানে ফিগর করিকি ডিসক্রাইব করে দেব আ হচ্ছে সেটাই খালি লিখিদেনি ফিগরটা করিদেনি ইজি অছি বুঝিল বহুত বড়িয়া আর দেখো যেমন লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করো লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করে দিও আর সাংগ মান নিকটে পৌঁছে দিও ঠিক আছে আছে ওয়ান কে সবসক্রাইব তো হয়েছে ফার্স্ট কুয়া হয়েছে তো যেতে পৌঁছব সে অনুসারে আমি সেতে ভালসে ক্লাস করাইব বর্তমান হব ক্লাস কিছু নাই বর্তমান পিলা বড়িলে ক্লাস হচ্ছে আরামসে লাইভ ক্লাসে পাঁচ জন প্রেজেন্ট রয়েছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাই বাই।